फरवरी 1985 में अमेरिका के वॉशिंगटन नेशनल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 26 हफ्ते के एक नवजात शिशु को सर्जरी के लिए लाया गया। इसका नाम था जेफरी और इसका वजन था सिर्फ 760 ग्राम। जेफरी की सर्जरी कुछ घंटे चली, जिसमें इसके गर्दन के दोनों तरफ एक एक छेद किया गया, छाती से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक कट लगाया गया, फिर इसके रिब केज को खोल के इसके धड़कते दिल के पास एक आर्टरी को बांधा गया। सर्जरी के शुरू से लेकर अंत तक जेफरी पूरी तरह होशो हवास में था और अपने साथ होने वाली हर एक चीज महसूस कर सकता था। उसकी माँ को भी नहीं पता था कि जेफरी को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, सिर्फ जेफरी को पैरालाइज किया गया था ताकि वो सर्जरी टेबल पे स्थिर रहे। उस समय के अनुसार जेफरी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि साइंस नहीं मानती थी कि नवजात शिशुओं को भी दर्द होता है। जेफरी का आगे क्या हुआ और उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, वो जानने से पहले यूरोप के डॉक्टर फिलिप की बात करते हैं। 1865 में उन्हें पागल करार करके पागलखाने भेज दिया गया। उन दिनों अधिकांश औरतें घर पे ही बच्चों को जन्म दिया करती थी, पर जिन औरतों को किसी कारणवश अस्पताल आके बच्चों को जन्म देना पड़ता था, उसमें से 100 में से 30 औरतें बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती थी। अब था क्या कि जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते थे, वही डॉक्टर डिलीवरी भी करते थे और वो भी बिना हाथ धोए। डॉक्टर फिलिप की गलती इतनी थी कि वो पिछले 17 साल से इस बात पे अड़े हुए थे कि अगर डॉक्टर सिर्फ हाथ धो लें तो इन सारी औरतों की जान बचाई जा सकती। पर उस समय की साइंस के अनुसार डॉक्टर फिलिप बिल्कुल पागलों वाली बात कर रहे थे, क्योंकि साइंस नहीं मानती थी कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो इंसान को दिखते नहीं पर इंसान को बीमार कर सकते हैं। और इसके कुछ ही सालों में साइंस की मेन स्ट्रीम में जर्म थ्योरी भी एक्सेप्ट हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टर फिलिप को पागल खाने जाने के कुछ ही हफ्तों बाद पीट पीट के मार दिया गया था। 1985 के अमेरिका लौटने से पहले एक नजर आज के भारत पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पर भी कई लोगों ने अब कहना शुरू किया है कि भाई मांस खाना हमारे लिए जरूरी नहीं है और ना ही जानवरों से आए हुए दूसरे उत्पाद। एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उन्हें भी पागल बता दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी लोकप्रियता खोने के डर से उन मुद्दों के बारे में बात ही नहीं करते जो मुद्दे अभी मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेड नहीं है। खैर, जेफरी ने तो अपनी सर्जरी के कुछ समय बाद ही शौक से दम तोड़ दिया और फिर शुरू हुई उसकी माँ की लड़ाई उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो खुद अपने लिए नहीं लड़ सकते। आखिरकार उन नर्सेस की भी बात सुनी गई जो दसियों सालों से कह रही थी कि भाई बच्चों को भी दर्द होता है और उनको भी पेन किलर्स मिलने चाहिए। 2 साल के अंदर अंदर अमेरिकन मेडिकल कम्युनिटी ने माना कि नवजात शिशुओं को भी दर्द होता है और उनमें भी पेन मैनेजमेंट जरूरी है। कोई भी नई विचारधारा मेन स्ट्रीम में मिलने से पहले पागलों वाली बात ही लगती है। तो हमारा ये विचार कि भाई पशुओं को भी दर्द होता है, वो भी अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहते और हमारी कोई शारीरिक जरूरत ऐसी नहीं है जिसे पूरा करने के लिए हमें जानवरों पे अत्याचार करना पड़े, ये बात भी मेन स्ट्रीम का भाग तभी बनेगी जब आप एक पल थम के इस पर विचार करेंगे और फिर इसको शेयर करेंगे।